English speaking course by Pooja Jaiswal. Day 7. आज हम past perfect tense और past perfect continuous tense के बारे में जानेंगे question answers method के द्वारा. अर्थात आज हम सीखेंगे कैसे हम बिना which, what and how के इस्तेमाल से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं. और हम ये नियम सिर्फ पास्ट टेंस में नहीं बल्कि किसी भी टेंस में अप्लाई कर सकते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब डिड. रमेश क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? सुरेश नहीं. इंग्लिश रमेश हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? सुरेश नो आई हैड नॉट. राम क्या वह दुकान बंद कर चुका था? श्याम हाँ कर चुका था. इन इंग्लिश राम हैड ही क्लोज्ड द शॉप? श्याम यस ही हैड. कमल क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? विमल नहीं वह कल तक मुझे नहीं मिला था. इन इंग्लिश कमल हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? विमल नो ही हैडंट. रमन क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? सुधीर नहीं मैं नहीं गया था. इन इंग्लिश रमन हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? सुधीर नो आई हैड नॉट. सचिन क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? अनुज हाँ मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था. इन इंग्लिश सचिन हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? अनुज यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years अगो. नीरज क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? सौरभ हाँ जा चुकी थी. इन इंग्लिश नीरज हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन? सौरभ यस इट हैड. सीमा क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? मीरा नहीं वे नहीं जा चुकी थी. इन इंग्लिश सीमा हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? मीरा नो सी हैडंट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन. नरेश क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? इन इंग्लिश नरेश हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours यस्टरडे? रमेश हाँ क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था. इन इंग्लिश रमेश यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माय वर्क. नरेश पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? इन इंग्लिश नरेश बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? रमेश क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था. इन इंग्लिश रमेश बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म. नरेश पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे. इन इंग्लिश नरेश बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विथ सम फ्रेंड्स. रमेश हाँ पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे
पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। इन इंग्लिश, रमेश, यस प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट बट लेटर वी चेंज्ड आवर प्रोग्राम। हमने आज सीखा कैसे हम पास्ट टेंस में बहुत आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। नेगेटिव बनाते वक्त हमें हेल्पिंग वर्ब डिड वॉज वर एंड हैड के साथ नॉट जोड़ना होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त वही हेल्पिंग वर्ब डिड वॉज वर एंड हैड वाक्य के शुरुआत में प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, आई एट ब्रेड एंड बटर, मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। नेगेटिव, आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर, मैंने डबल रोटी और मक्खन नहीं खाया। इंट्रोगेटिव, डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर, क्या मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, यू वर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। नेगेटिव, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव, वर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, यू हैड रीड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। नेगेटिव, यू हैड नॉट रीड अ बुक, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ ली थी। इंट्रोगेटिव, हैड यू रीड अ बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। आपने देखा कि हमने कितने आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाया। बस हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड करना है, और इंट्रोगेटिव बनाते समय वही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। और इस तरह से हम बहुत ही आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। Thank you for watching my video. Have a nice day. If you liked my video, so don't forget to press on like icon and share with your friends and subscribe the channel.